अलैकुम, मैं हूँ इरम खान और आप देख रहे हैं टेस्टी पकवान। वैसे तो हम जो है तीखी और स्पाइसी वगैरह जो चना चाट होती है वो हम खाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाने जाए कुछ डिफरेंट मायोनीज चना चाट जो बहुत क्रीमी और डिलीशियस है। इसे आप अपने बच्चों को भी जो टिफ़िन में भी दे सकते हैं और वैसे भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, बड़ी मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 कप आलू लिए हैं जिसे मैंने ऐसे कट कर लिया है और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। 2 कप मैंने लिए हैं चने जिन्हें मैंने उबाल लिया है। 1 कप मैंने लिया है बंद गोभी। हाफ मैंने गाजर थी उसको मैंने चॉप कर लिया। और 1 कप मैंने लिए हैं खीरे। 1 कप मायोनीज। हाफ मैंने प्याज लिया था, बड़े साइज़ का था तो मैंने हाफ लिया है। 1 कप मैंने पापड़ी ली है और ये मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ टी स्पून मैंने नमक लिए। 1 मैंने लाहरी मिर्च लिया उसे मैंने चॉप कर लिया और 2 टेबल स्पून दूध लिया है मलाई के साथ। इसके लिए हम एक बॉल लेंगे, उसमें आलू डाल देंगे, सारे चने। ये बहुत ही झटपट से बनने वाली है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बंद गोभी, खीरे, गाजर, प्याज, मायनीज डाल देंगे। काली मिर्च और नमक, इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध और मलाई और इसे मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम ये हमारी जो मायोनीज चना चाट है वो बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे कर लेंगे डिश आउट। हमारी यम्मी सी मायोनीज चना चाट रेडी है। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को इसे बना कर दें और टिफ़िन में भी दें उनको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।